क्या आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जिसकी बात को इज्जत नहीं मिलती है? और अगर आप चंद बड़े लोगों में बैठ जाओ तो आपको महसूस होता है कि यार बस मैं यहाँ से उठूँ और कहीं और चला जाऊँ। अब अगर तो आपका जो भाने हैं तो ये भी जान लीजिए कि ना तो आप एक पुरेतमाद इंसान हो और ना ही आपकी ज़िंदगी में सुकून है। पर इतमाद ना होने की वजह से आप खुद की इज्जत भी नहीं कर पाते, और यही वजह है कि लोग भी आपकी इज्जत नहीं करते हैं। क्योंकि बाहर से तो आपको इज्जत तभी मिलती है जब आप अंदर से खुद की इज्जत करते हो, और खुद की इज्जत के लिए खुद को पहचानना लाजिम है। और शायद इसी अमल को खुद शनासाई बोला जाता है। किसी से पूछा गया था कि ज़िंदगी क्या है, तो जवाब मिला कि खुद की पहचान के सफ़र का नाम ज़िंदगी है। मगर मेरा सवाल तो ये है कि मैं कैसे खुद को पहचान सकता हूँ? खुद को पहचानना है क्या? ये कैसा अमल है कि इसके बाद मैं खुद की इज्जत भी कर पाऊँगा और इस माशरे में एक कामयाब इंसान भी बन पाऊँगा? तो मेरे पास में चंद ऐसे कामयाब लोग हैं कि जिनकी बात करके हम शायद इस बात को समझ सकें कि खुद को जानने की ताकत क्या होती है। आप इलॉन मस्क को जानते होंगे, जिन्होंने बहुत सा पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, इज्जत भी कमाई। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन और इस किस्म के बेशुमार साइंसदान जिन्होंने अपनी इजादात के जरिए इस दुनिया में नाम और इज्जत कमाई। कायदे आज़म गांधी, अलामा इकबाल, गालिब, रूमी, इमरान खान और ऐसे बेशुमार लोग जिनको आज दुनिया जानती है। अब यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है कि क्या होता अगर कायदे आज़म शायर बनने का सोचते और अलामा इकबाल जो है रॉकेट बनाने के लिए निकल पड़ते? मज़ा नहीं आना था ना? क्योंकि अलामा इकबाल साहब ने जो काम किया वो अपनी जगह पे एक शाहकार है। और अगर आप बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो उन्होंने जो काम किया है या जो भी कर रहे हैं वो अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल। अब मैंने आपसे जितने भी लोगों का ऊपर जिक्र किया है, अगर आप लोग उनके काम की खूबसूरती को देखो तो आपको समझ में आएगा कि उन लोगों ने खुद को पहचान लिया था और फिर वही काम किया कि जिस सिफ्त के साथ उन्हें पैदा किया गया था। अब यहाँ पे एक और सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये लोग खुद की इज्जत नहीं करते होंगे? क्या ये तमाम लोग खुद के साथ झूठ बोल बोल कर यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज दुनिया उनको जानती है? क्या उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो प्लान्स बनाए थे वो हमारी तरह हर सुबह उनको भूल जाते थे? ऐसा नहीं है, यकीनन उन लोगों ने अपने वादों को निभाया था और सबसे पहले खुद को इज्जत दी थी, और यही वजह है कि आज दुनिया उनको इज्जत दे रही है। और मैं आप लोगों के साथ में भी यही बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे खुद को इज्जत देकर खुद को पहचान सकूँ और इस माशरे में एक कामयाब, पुरएतमाद और मुतमईन शख्सियत बन सकूँ। अब खुद को इज्जत देने के लिए खुद के साथ सच्चा और ईमानदार होना पड़ेगा। मगर मैं फिर यहाँ पे फंस गया कि क्या मैं आज तक खुद के साथ झूठा था? अगर मुझे खुद के साथ ईमानदार होना है तो क्या मैं आज से पहले खुद के साथ धोखेबाज था? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं खुद के साथ झूठा भी हूँ और खुद के साथ धोखेबाज भी हूँ? और अगर आप मेरा जवाब सुने तो बात सच है और इसमें मेरे लिए रसवाई भी है, तो अब क्या करें? खामोश हो जाएं, अपनी इस बुराई पे खुद ही पर्दा डाल दें? और अगर अपनी बुराई जानने के बावजूद भी पैसे छुपाता हूँ तो खुद बताओ कि मुझसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने साथ झूठा भी किस तरीके से हूँ। मैं पिछले 2 साल से खुद से यही वादा करता आ रहा हूँ कि कल सुबह 9 बजे उठकर मैं अपना काम शुरू करूँगा। मेरी अलमारी में कपड़े लटकाने वाला डंडा टूटा हुआ है। मैं कर्से से खुद से वादा कर रहा हूँ कि इस बार छुट्टी के दिन मैं इसे ठीक करूँगा। मेरे ऑफिस में कुछ किताबें बिखरी पड़ी हैं, इंटरनेट की डिवाइस को कील से लटकाना है, वॉशरूम में पानी का नल टपकता रहता है, जो कंबल लेकर सोता हूँ वो धुलवाने के लिए बाहर देना है, एक ब्रीफ केस मेरे बेड के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है और गर्द आलूद हो रहा है, और कई मरतबा खुद से कह चुका हूँ कि कल इसे अलमारी में रख दूँगा, और ऐसे कितने ही काम कि जिनके लिए मैंने खुद से वादा किया और आज तक पूरा नहीं किया। अब आप कहोगे इसमें झूठ क्या है, धोखा क्या है, ये तो आपकी सुस्ती है। सुस्ती अलग है, जो मैंने खुद के साथ वादा किया कि मैं कल को ये काम कर दूंगा, ये मैंने अपने साथ में झूठ बोला और खुद को वादा दिया और खुद के वादे को तोड़ा। और वादे तोड़ तोड़ कर खुद से झूठ बोल बोल कर हम अपनी ज़ात को इस कदर जख्मी कर देते हैं कि खुद की इज्जत नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं आपके साथ भी अपनी ही बात करूँ तो मैं अपने अंदर अपनी नाकामियों के पछतावे से, खुद के साथ किए गए झूठे वादों से अपने आप को इस कदर कमज़ोर और सस्ता कर चुका हूँ कि अब रोने धोने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय एक टूटी फूटी उम्मीद और एक झूठी आना जो किसी भी वक्त रेजा रेजा हो सकती है। क्योंकि बात यह है कि मैंने कभी इस बात को वैल्यू ही नहीं दी कि खुद के साथ झूठ बोलना क्या है, खुद को जलील करना क्या है, खुद के साथ किए गए वादे को तोड़ना कैसे मेरी शख्सियत पे ज़र्ब लगाता है, कैसे मेरी शख्सियत पे एक ज़ख्म लगाता है और मुझे हर रोज़ कमज़ोर करता है। अब अगर आप ज़र्ब लगाने को समझना चाहो तो ये ज़र्ब लगाना बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास में एक पत्थर की प्लेट है, आप हर रोज़ उस पर हथौड़ी से एक चोट लगाते हो और आप ऐसा ही करते रहते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि साफ़ सुथरी और मज़बूत नज़र आने वाली प्लेट एक हल्की से ज़र्ब से चकनाचूर हो जाती है, और हमारी शख्सियत बिल्कुल ऐसे ही है। और शायद इसी शख्सियत को खुद ही कहा जाता है कि जिसके मुतल्लिक़ अलामा इकबाल साहब ने अपने कलाम में कई मरतबा बात भी की है।
अब शायद बहुत से लोगों के लिए कन्फ्यूजन आए कि खुद के साथ झूठ बोलना, वादे को तोड़ना कैसे इंसान को कमजोर या ताकतवर कर सकता है। जिस तरह किसी की मदद करने से, अपने वादे को निभाने से, अपने काम को वक्त पे मुकम्मल करने से, सच बोलने से हमें अपने अंदर खुशी और सुकून मिलता है। उसी सुकून की वजह से हमारी जो शख्सियत होती है वो तकवीत हासिल करती जाती है। और इसी के बरक्स वो तमाम काम अगर हम उल्टे करें तो आप नोट करोगे कि हमारी तबीयत में एक बेचैनी आने लगती है, हमें भारी भारी महसूस होता है और यही चीज हमारी शख्सियत को कमजोर करती रहती है। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि जख्मी शख्सियत के साथ ना तो आप खुद की इज्जत कर पाते हो और ना ही आपकी ज़ात में खुद एतमादी आती है। अब फंस फिर यहाँ पे गया हूँ तो इसका हल क्या है? मैं खुद के साथ कैसे सच बोल सकता हूँ, कैसे खुद को इज्जत दे सकता हूँ? तो इसका हल भी सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अपनी झूठी इज्जत के दिखावे से बाहर आना होगा। जैसे कि मैं एक मरतबा घर पे खाना खा रहा था, मेरे यहाँ से चम्मच नीचे गिरा और मैंने बिना धोए उससे पकड़ा और खाना खाना शुरू कर दिया। अब ऐसा ही मेरे साथ एक होटल में भी हुआ, मेरा चम्मच नीचे गिरा और वहाँ पे मैंने वेटर से बोला मुझे चम्मच तब्दील कर दो, वो चम्मच तो तब्दील करने चला गया, मगर मैं सोच में पड़ गया कि ये तो मैं अपनी झूठी इज्जत करवा रहा हूँ और मेरी असल इज्जत तो वो है जो मैं तन्हाई में खुद को दे रहा था। और तन्हाई में मैंने जो खुद को इज्जत दी है वो तो आपको सुना चुका हूँ कि मैंने गंदे चम्मच के साथ ही खाना खाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमें तन्हाई में खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, खुद को इज्जत देनी होगी, खुद का मेयार बनाना होगा, खुद के साथ सच्चा होना पड़ेगा। और यही पहला कदम मेरी जात से एक जख्म को धोने की कोशिश करेगा और ऐसा बार बार करना मेरे जख्मों को धोएगा और फिर मेरा एक मेयार बन सकेगा। फिर मैं अपने अंदर खुद को पहचानना शुरू करूंगा कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी गलतियाँ क्या है, किन चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जात के जख्म खुद ब खुद धुलने लग जाएं, तो आपके जितने भी काम नामुकम्मल पड़े हैं तमाम की लिस्ट बनानी होगी और एक एक करके उनको मुकम्मल करना होगा और वादा करना होगा कि आइंदा जो काम भी अपने जुम्मे लोगे उसे वक्त पे पूरा करोगे। और वो तमाम काम जो आपके घर पे हैं, जो आपने ही करने हैं, आपको उन्हें फर्ज समझकर पूरा करना होगा। और यकीन मान लीजिए ये छोटे छोटे काम मुकम्मल करने से आपकी जिंदगी में ऐसी गैर मामूली तब्दीली आएगी जो आपको हैरान कर सकती है। मगर यहाँ पे भी एक मसला है। आप कह सकते हो कि मेरे पास में तो टाइम नहीं है इसलिए मैं घरेलू काम नहीं कर सकता हूँ। तो फिर यकीनन आपका वक्त इतना कीमती है जो आपको पैसा कमा कर दे रहा होगा। अब आप कहते हो नहीं नहीं मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास में टाइम भी नहीं है। तो समझ लीजिए आप एक गलत सिमत में सफ़र कर रहे हो। यहाँ पे आपको कुछ ही अच्छे हम सफ़र की ज़रूरत है, आपको खुद की ज़ात में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हम अजीबोगरीब चीज़ों से अपनी ज़ात को इस कदर जख्मी कर दें कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और वाक्य बताता हूँ। फर्ज कर लीजिए दूध वाला है, हमने उसके पैसे देने हैं, वो हमें फ़ोन करता है और हम उसको फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे ख्याल से ये वाला जो काम है हर दूसरे तीसरे शख्स के साथ हो रहा होता है। अब हो क्या रहा है, बजने वाली हर एक घंटी हमारे अंदर एक डर और बेचैनी पैदा कर रही है। कोई और भी फ़ोन कर रहा है तो हमें लग रहा है शायद उसी का ही फ़ोन आ रहा है, हम एकदम से डर जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं या हल्के से परेशान हो जाते हैं या हम गाली देने लग जाते हैं। अब हम में इतनी भी ताकत नहीं है कि हकीकत का यार दरेराना मुकाबला करें, फ़ोन अटेंड करें, उसे बताएं कि भाई अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास में पैसे आते हैं मैं आपको दे दूंगा, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। अब आप खुद सोचो आपने एक मिनट में इस परेशानी से छुटकारा पा लिया, मगर क्या आपने नोट किया आप उसका फ़ोन ना उठाकर खुद की ज़ात पे ज़र्ब लगा रहे थे, खुद की ज़ात पे ज़ख्म लगा रहे थे, आपके अंदर डर जो था वो पैदा हो रहा था, आपके अंदर बेचैनी पैदा हो रही थी। और हम इस बात से बेखबर है कि इस तरह हकीकत से आंसू आना हमें हमारे अंदर ही कमज़ोर कर रहा है और हम अपनी ज़ात पे एक और ज़ख्म लगा रहे हैं। और ये ज़ख्मों का सिलसिला रुकता नहीं है। जब हम अपनी गलतियों से नाकाम हो रही होती तो हमें दूसरों का पैसा हराम नज़र आने लगता है, अमीरों से नफरत होने लगती है, हसद का शिकार होने लगती है और ये तमाम चीज़ें हमारी ज़ात पे ज़ख्म लगाती रहती हैं और हमें कमज़ोर करती रहती हैं। जबकि इसके लिए वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि हम अमीर होना भी चाहते हैं मगर हमें अमीरों से नफरत भी है। जब तक पैसा अमीर के पास है तो वो हराम का है, जब वही पैसा मेरे पास है तो वो हलाल का है। अब आप खुद फैसला करो क्या मैं इस सोच के साथ, इस ज़ख्मी ज़ात के साथ खुद की तलाश का सफ़र शुरू कर सकता हूँ, खुद को खुद एतमादी में ला सकता हूँ, खुद को पहचानना शुरू कर सकते हैं। मैंने आज तक खुद के साथ सच नहीं बोला तो मैं बाहर किसी के साथ क्या सच हो पाऊंगा? अपनी नाकामियों की वजह से मैं खुद को इतना जलील और रुसवा कर चुका हूँ तो लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे? मैं खुद की नज़रों में इतना गिर चुका हूँ तो लोगों के सामने मैं क्या सर उठा के कहूँगा कि मैं एक मजबूत इंसान हूँ? एक जुमला बचपन से सुनते आ रही है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, मगर क्या
हम इसके अंदर की बात को समझ पाए हैं। कुछ कहेंगे समझ पाए हैं, कुछ कहेंगे नहीं समझ पाए। जो नहीं समझ पाए हैं तो क्या अब हमें खुदकुशी करने नहीं चाहिए? हम एक नाकाम इंसान हैं, हम कमज़ोर इंसान हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़ात में खुद इत्मादी आए, आपकी बात में मजबूती आए, आप एक मजबूत इंसान के तौर पर जाने जाएं, आप खुद की कदर करने लगें, तो इसकी शुरुआत पानी के नल को ठीक करने जैसे कामों से ही करनी होगी। अगर आपने ये सोचा है कि मैं बस 10 मिनट मोबाइल यूज़ करूँगा उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर दूँगा, तो आपको इस वादे को निभाना होगा। आपको अपनी ज़ात में एक मरतबा रुकना होगा, चलती हुई फजूल सोचों को एक मरतबा छोड़ना होगा, आपको संभलना होगा और एक मरतबा पुरसकून होकर सोचना होगा कि मैं जिस सिमत में सफ़र कर रहा हूँ क्या मुझे इसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात को भी समझना होगा कि आप अगर अपनी सोच से कुछ नहीं कर पाए हो तो आपको इस सफ़र में किसी को हम सफ़र बनाना है, किसी एक की पैरवी करनी है जिसे आप अपने से अफजल समझते हैं। आपको खुशनासी के सफ़र में निकलने से पहले ज़्यादा सफ़र जमा करना होगा। इस सफ़र में आने वाली मुश्किलात के लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको खुद की ज़ात में इतनी ताकत रखनी पड़ेगी कि अगर आप रास्ता भटक भी जाएं, तो उस गलत रास्ते को ही अपना रास्ता ना बना लें। इंसान किसी भी लंबे सफ़र पे निकलता है तो कभी ज़ख्मी हालत में नहीं निकलता है, और जिस सफ़र पे आप निकलने लगे हो ये आपकी ज़ात का सफ़र है, ये आपकी ज़ात की हिजरत है। तो इस सफ़र से पहले आपको अपनी ज़ात पे लगे ज़ख्मों को धोना हो। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बथेरे, हज़ारहा सायादार शजर राह में हैं।